हाँ स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। आज हमने इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो स्टूडेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक। ये आइसोथर्मल के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन होता है, ठीक। अच्छा, हम लोग पहले पढ़ते थे W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, यानी F इनटू डेल्टा एक्स होता है, ठीक। फोर्स जो होता है वो होता है प्रेशर इनटू एरिया होता है इनटू डेल्टा एक्स होता है, ठीक। अगर हम इसको मिला दें, इन दोनों को साथ कर दें, तो एरिया इनटू लेंथ यानी वॉल्यूम हो गया, ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम एक तरह से, तो पी डेल्टा वी होता है, ठीक। ये डब्लू होता है, इसी का डिफरेंशियल फॉर्म जो होता है डी डब्लू इज इक्वल टू पी डी वी होता है, वो किसी भी प्रोसेस के लिए होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी होता है, ठीक। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो डी वी का इंटीग्रेशन होगा नहीं है, तो इसकी जो लिमिट होगी वो वी टू अपॉन वी वन होगी, ये इंटीग्रेशन की लिमिट होगी जो है, ठीक। यानी डब्ल्यू का यहाँ से हम फार्मूला लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू पी और डी वी इंटीग्रेशन वी वन टू वी टू। अगर इनिशियल वॉल्यूम वी वन है और फाइनल वी टू है तो वी वन टू वी टू होगा, ठीक। इसको ऐसे भी लिख देते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी इनिशियल टू वी फाइनल पी डी वी लगाते हैं, और ये कॉमन फार्मूला सारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए ये अप्लाई होता है। तो इसी फार्मूले से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस डेरिवेशन को। ये हमारा रफ वर्क है, ये हमने आपको बताया है, इसका इसमें यूज करने को कोई ज़रूरत आपको नहीं होगी, ठीक। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो है। इंटीग्रल फार्मूला फॉर वर्क डन, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट वी वन टू वी टू पी डी वी होगा, ठीक। ये यहीं से आप स्टार्ट करेंगे जो है, ये हमारा इक्वेशन वन होगा जो है, ठीक। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है पी वी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट, ठीक। पी वी इज इक्वल टू के होता है कॉन्स्टेंट, यानी यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी इज इक्वल टू के अपॉन वी, ठीक। ये इक्वेशन टू हुआ हमारा। अब पी की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दो जो है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन ठीक, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट वी वन टू वी टू, पी की वैल्यू हो गई के अपॉन वी डी वी हो गया, के को बाहर कर दीजिए तो W इज इक्वल टू के कांस्टेंट है बाहर हो गया, इंटीग्रेशन हो गया डी वी अपॉन वी वी वन टू वी टू लिमिट हो गई, ठीक। ये वी वन टू वी टू वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम, ठीक।
अब इंटीग्रेशन यहाँ देखो स्टूडेंट, ये फार्मूला लगाइए, इंटीग्रेशन dx अपान एक्स ये होता है log ex, क्या होता है log ex होता है ये। तो इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई करिए तो हो जाएगा k इंटीग्रेशन होगा log, ठीक यहाँ देखिए x है तो यहाँ x है, e हो गया तो log बेस e हो गया और x की जगह यहाँ v है, v लिमिट हो गई v1 से v2 तक, v1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम, v2 मीन्स फाइनल वॉल्यूम, वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ से निकल आएगा k log बेस e पर v2 माइनस log बेस e पर v1, ठीक, और log में जो माइनस होता है तो ये v1 इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी w इज इक्वल टू हो जाएगा k log बेस e पर आ जाएगा v2 अपान v1, ठीक। ये वर्क डन का पहला फार्मूला है, ये इक्वेशन हो गया 3। आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो k है, k की वैल्यू यहाँ क्या हमारी है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक। तो k की वैल्यू PV इज इक्वल टू क्या होता है, μRT होता है ना, बट फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए होता है PV इज इक्वल टू μRT और यही है k हमारा, ठीक। PV इज इक्वल टू μRT होता है और T तो कांस्टेंट है, वो हमेशा वही रहेगा, तो ये इतना कांस्टेंट होगा जो है, यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दो, देन W इज इक्वल टू μRT log बेस e v2 अपॉन v1 आ गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक। और W इज इक्वल टू, अगर इसका बेस 10 पर लाते हैं तो 2.30266 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.3026 μRT log बेस 10 v2 अपॉन v1, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 5। आप देखो स्टूडेंट, वी नो दैट फॉर आइडियल गैस गैस अब जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस चल रहा है उसके लिए फार्मूला होता है P1V1 इज इक्वल टू P2V2 और इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक। ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है जहाँ पे P1V1 इज इक्वल टू P2V2 और इज इक्वल टू μRT होगा और ये कांस्टेंट होगा, ठीक। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा V1 इसके नीचे लाइए तो V2 अपान V1 इज इक्वल टू P1 अपान P2 हो जाएगा, ठीक। अब इस V2 अपान V1 को इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 में पुट कर दीजिए, देन फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, जो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 है दोनों में पुट कर दीजिए तो W इज इक्वल टू μRT, ठीक। यहाँ हो गया log बेस e पर हो गया, v2 अपान v1 है तो v2 अपान v1 इज इक्वल टू p1 अपान p2 हो गया, p1 अपान p2 हो गया। ये इक्वेशन हो गया 6 या W इज इक्वल टू
2.3026 म्यू आर टी लॉग बेस टेन v2/v1 की जगह आ जाएगा p1/p2। ये हो जाएगा इक्वेशन 7। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, इक्वेशन 7 आर द फार्मूलाज फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।